सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सबकी फैमिली अपने अपने घरों में अच्छे से रह रही होगी। तो राइट नाउ गाइज, इट इज़ 4:21 इन द मॉर्निंग एंड अभी जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, तो फिलहाल गाइज अभी मैं यहाँ बनारस के बस स्टैंड पे आ चुका हूँ। सो गाइज, मुझे यहाँ बनारस में कुछ काम था तो मैं यहाँ आया हुआ था। तो अब फिलहाल मैं यहाँ से लखनऊ जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को एक रोड ट्रिप दूँ मैं यहाँ बनारस के बस स्टैंड से लखनऊ चारबाग बस स्टैंड की तरफ। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग की बस तो यहाँ 5 बजे से है, तो अभी फिलहाल थोड़ी देर हम लोग यहाँ बैठेंगे एंड चाय वाय पियेंगे एंड जैसे ही हम लोग की लखनऊ की बस यहाँ आके लगेगी तो उसमें बैठेंगे एंड लखनऊ की तरफ निकलेंगे। सो फिलहाल गाइज अभी बस को तो आने में टाइम है। तो गाइज मुझे अपनी बहन का कुछ पेपर्स पहुंचाने थे, जो मैं यहाँ बनारस में उसका एक फ्रेंड था तो वो मैं उसको देने के लिए आया था कि वो पेपर्स वो मेरी बहन तक पहुंच जाएंगे। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि कहीं कुछ अच्छी चाय मिलती है क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, काफ़ी यहाँ ठंड हो चुकी है। तो अभी हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ कहीं अच्छी चाय मिल सके, तो पिए चल के। सो फिलहाल गाइज हमें हमारी यहाँ चाय मिल चुकी है एंड काफ़ी अच्छी चाय है। एंड जैसा कि आप लोग ने मेरा पिछला वाला ब्लॉग देखा होगा कि जब मैं अंबिकापुर से लखनऊ की तरफ चला था, तो फिलहाल गाइज मैं जब यहाँ बनारस में रुका था तो मैंने इसी जगह यहाँ चाय पी थी एंड काफ़ी अच्छी चाय है। ये जस्ट बस स्टैंड की जस्ट सामने ही है, तो मैं यहाँ आ गया था चाय पीने के लिए। एंड गाइज मुझे मॉर्निंग में यहाँ जल्दी निकलना पड़ा तो मैंने सोचा कि थोड़ा बिस्किट और चाय खा लेते हैं। सो राइट नाउ गाइज इट इज़ 5:08 एंड हमारी वाराणसी टू लखनऊ की बस यहाँ आके लग चुकी है। एंड गाइज मुझे काफ़ी ठंड लग रही थी तो मैंने यहाँ कैप पहन लिया। तो फिलहाल गाइज अब हम लोग अंदर बस की तरफ चलते हैं, बैठते हैं चल के। गाइज हमारी बस यहाँ आके गेट पे लग चुकी है, तो चलिए गाइज फिर निकलते हैं यहाँ से लखनऊ की तरफ। बनारस टू लखनऊ ट्रैवल कर रहे हैं तो अगर हम लोग टिकट प्राइस का कंपैरिजन करें बिटवीन गवर्नमेंट की एसी एंड नॉन एसी बस का, तो गाइस जो एसी बस का टिकट है वो अप्रॉक्स 564 का है एंड नॉन एसी बस का 365 है जो गवर्नमेंट की चलती है। एंड गाइस अभी हम लोग फिलहाल जनरथ बस में बैठे हैं जो गवर्नमेंट की एसी बस है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ नॉन एसी बस से गवर्नमेंट की, तो ये काफ़ी कंफर्टेबल भी है एंड बाहर टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है क्योंकि बाहर बारिश भी हो चुकी है, बट हम लोग को ठंड महसूस नहीं हो रही है, ये एक अच्छी बात है। प्राइस ज़्यादा है तो कंफर्टेबल भी ज़्यादा लगेगा। एंड गाइस अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो एसी बस है वो वाराणसी से लखनऊ तक का अप्रॉक्स 6 से 7 घंटे में पहुँचा देती है एंड नॉन एसी बस की बात करूँ तो उसको 7 से 8 घंटा लगता है। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर।
तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग यहाँ जौनपुर के बस स्टेशन पे आके रुक चुके हैं एंड गाइज हमारी बस ने अभी पहला यहाँ ब्रेक लिया है एंड गाइज काफ़ी टाइम नहीं लगा हमें यहाँ पहुँचने में। इट्स 7:39 इन द मॉर्निंग एंड हम लोग वहाँ से 5:30 निकल चुके थे। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ वॉशरूम ब्रेक लेते हैं एंड थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे पियेंगे एंड वापस जाके अपनी बस में बैठेंगे यहाँ। अभी हमारी बस ने दूसरा ब्रेक लिया है, यही दीरा बसी ढाबा जिसमें आप लोग ने मेरे पिछले वाले व्लॉग में देखा होगा जो कि मैं लखनऊ से अंबिकापुर के लिए निकला था। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग ने यहाँ चाय ऑर्डर कर ली है तो अभी यहाँ चाय पियेंगे, थोड़ा सा फ्रेश होंगे एंड गाइज बाकी मैं रूट की बात करूँ वाराणसी टू लखनऊ की तो काफ़ी अच्छा रूट है एंड मैं यहाँ सो गया था काफ़ी देर तक क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल रूट था तो काफ़ी अच्छी नींद आई मुझे। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग यहाँ एक चाय पीते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं एंड अभी थोड़ी देर यहाँ घूमेंगे फिरेंगे एंड जैसे ही बस चलेगी देन यहाँ से लखनऊ के लिए निकलेंगे। जैसा कि आप लोग ने मेरे पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कई टाइम कि मैं यूजुअली बस में ही ट्रैवल करता हूँ, मैं ट्रेन से भी ट्रैवल कर सकता हूँ बट मुझे एज़ कंपेरिजन बस ज़्यादा अच्छी लगती है ट्रैवल करने में क्योंकि ये कई सारे ढाबों पर रुकती है एंड वहाँ चाय पीने का बहुत ही अच्छा लगता है एंड देन वापस से आके बस में बैठना एंड ट्रैवल करना जैसे कि ये रोड कभी ख़त्म ही ना हो। बट गाइज ये रोड तो वैसे भी ख़त्म नहीं होगी बट हमें लखनऊ उतरना है, ये नहीं कि भागते हुए चले जा रहे हैं लखनऊ छोड़ के। तो फिलहाल गाइज अभी तो लखनऊ यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है। सो गाइज अगर आप लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वाला जो स्विच है इससे अपना फ़ोन ना ही चार्ज करें, अगर बैटरी आपके फ़ोन में बहुत ही लो है तो आप लोग इसे चार्ज कर लें क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा था पिछली बार तो मैंने इससे अपना फ़ोन चार्ज किया था एंड उसके बाद मेरा फ़ोन काफ़ी उस टाइम हैंग करने लगा था। तो इस बार फ़िलहाल गाइज मैंने यहाँ अपना पावर बैंक ले लिया है कि मैं इससे चार्ज करके वापस से अपना फ़ोन हैंग नहीं करवाना चाहता हूँ। शायद ये पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है बट मैंने सोचा कि ये चीज़ आप लोग से मैं शेयर कर दूं कि अगर बैटरी आप लोग के फ़ोन में बहुत ही कम है तो ही इससे चार्ज करें, ना तो अपना पावर बैंक साथ में लेके चलें। सो फिलहाल गाइज हम लोग अभी यहाँ चारबाग बस स्टेशन पे यहाँ आके उतर चुके हैं एंड गाइज हमें अपने घर के लिए ऑटो वहाँ आगे थोड़ी दूर से मिलेगा। तो फिलहाल गाइज अभी हम लोग उधर ही की तरफ चल रहे हुए हैं एंड हमारे पीछे की तरफ वहाँ चारबाग बस स्टेशन था एंड इसके जस्ट सामने हमारे यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन भी है। तो फिलहाल गाइज हमें अपने घर जाने का ऑटो वहीं से मिलेगा तो अभी हम लोग उधर ही की तरफ चल रहे हैं एंड जैसे ही ऑटो मिलता है इधर मैं आप लोगों से मिलता हूँ।
तो फिलहाल गाइस हमें अपना घर जाने के लिए यहाँ ऑटो मिल चुका है, तो फिलहाल गाइस अब हम लोग इसके अंदर चल के बैठते हैं एंड घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि आज काफ़ी लॉन्ग जर्नी थी। हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे थे, अभी फिलहाल बहुत थक गया हूँ। तो फिलहाल गाइस अब हम लोग चलते हैं, अपने ऑटो में बैठते हैं एंड घर की तरफ निकलते हैं यहाँ से। तो फाइनली गाइस हम लोग अपने घर के पास यहाँ आ चुके हैं एंड राइट नाउ इट इज़ 3:05 इन द आफ्टरनून। एंड गाइस अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर करूँ फ्रॉम वाराणसी टू लखनऊ तक का, गाइस काफ़ी अच्छा रूट है, काफ़ी स्मूथ रूट है, हम लोग को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, काफ़ी अच्छा लगा वहाँ से आके। एंड गाइस अगर मैं आप लोग को एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो गाइस अगर आप लोग को टाइम की हल्की भी शॉर्टेज है तो आप लोग गवर्नमेंट की एसी बस लें, जो जनरथ बस है, जिससे हम लोग आज वाराणसी से लखनऊ तक का आए। तो गाइस काफ़ी कंफर्टेबल बस है वो वहाँ की। तो फिलहाल गाइस अभी हमारी यहाँ से तो अब हम लोग घर की तरफ निकलेंगे। तो गाइस मैं आज की वीडियो अपनी यहीं एंड करता हूँ। सो गाइस जिसको भी मेरा ये चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।